अस्सलाम वालेकुम प्यारे लोगों, तो आज का हमारा टॉपिक बहुत सेंसिटिव है। जैसे कि हर मर्द जो है वो इस बात की शौकियां लगाते हैं कि मर्द को चार शादियों की इजाजत है, मर्द को चार शादियों की इजाजत है। बेशक उसको चार शादियों की इजाजत है, पर इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा क्लियर करते हैं। नहीं भाई, इस्लाम में चार शादियों की इजाजत है, तो तुम अपने बाप की तीन शादियां और क्यों नहीं करवाते? अपनी बहन के लिए सिंगल लड़का क्यों ढूंढते हो? मतलब अपनी बहन को भी समझाओ ना कि तीन शादियां और वो बंदा कर सकता है। इस्लाम ने चार शादियों की इजाजत दी है। बहनों ही तो तुम्हें ऐसा चाहिए जो सिंगल हो, जिसने किसी और लड़की की तरफ कभी देखा भी ना। बाप और बहन को छोड़ते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं हम डायरेक्ट आप पे। आप चार शादियां करें, बेशक करें, कोई मसला नहीं है। इस्लाम ने चार शादियों की इजाजत दी है, लेकिन कल को आपकी बेटी होती है, हैं? तो जाहिर है उस बेटी के शोहर को भी इजाजत है चार शादियों की, तो तब क्यों नहीं बर्दाश्त करते? हमारी बेटी के अलावा इस घर में कोई और नहीं आएगी, वाई? मतलब खुद तुम मर्द हो, इस चीज का तुम फायदा उठाना चाहते हो, चार शादियां करना चाहते हो, लेकिन अपने बहनों ही की तुम चाहते हो कि कोई और शादी ना हुई हो, हाँ? और अपने बाप को चाहते हो कि उसका सिर्फ एक औलाद मैं ही हूँ, मैं ही जिदाद का वारिस हूँ और मेरी ही माँ को सारी प्रायोरिटीज मिले। और जो तुम्हारी माशाल्लाह से बेटी हो, उसके लिए जो तुम कभी बर्दाश्त नहीं करोगे दूसरी औरत उसके आगे आए, ठीक है, उसकी जगह ले। तो फिर मुझे समझ नहीं आई कि तुम लोग क्यों बोलते रहते हो मर्द को चार शादियों की इजाज़त है, सिर्फ अपने लिए। अपनी कोई और फैमिली की औरत हो, तुम उस पर दूसरी औरत बर्दाश्त नहीं करोगे कभी? वाई वाई ब्रो, वाई?